हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि डीआईजी सर से मिलने पहुंची सवी, तो वहीं सवी को देख के डीआईजी सर ने बताया प्लेन क्रैश के पीछे का पूरा सच। जी हां दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां सवी डीआईजी सर से मिलने के लिए सेमिनार में चली जाएगी, तो वहीं सवी का वहां पर होने वाला है डीआईजी सर से सामना, जहां डीआईजी सर पहले तो सवी को पहचानेंगे ही नहीं, लेकिन फिर सवी के हाथ में सई और विराट की फोटो देखकर उसे पहचान जाएंगे। तो वहीं डीआईजी सर सभी को अपने केबिन में बुलाएंगे और ये कहते हुए नजर आने वाले हैं कि सभी, मुझे तो ये लगा था कि शायद उस प्लेन हादसे में तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया है। मुझे इस बात का बड़ा ही रिग्रेट भी था कि मैं विराट के परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सभी इमोशनल हो जाएगी और फूट फूट के रोते हुए ये कहते हुए नजर आने वाली है कि सर, अभी रिसेंट में एक हादसे में मैंने अपने पूरे परिवार को खो ही दिया है। तो वही डीआईजी सर सभी को संभालते हुए ये बड़ा खुलासा करते हुए नजर आने वाले कि सभी, आज मैं तुमसे एक बड़ा राज को शेयर करना चाहता हूँ। ये राज आज तक किसी को भी नहीं पता है कि आखिर उस प्लेन हादसे के बाद हुआ क्या था। जहाँ सभी ये कहते हुए नजर आने वाली है कि सर, मैं कैसे भूल सकती हूँ उस प्लेन हादसे को जिसमें मेरे आई बाबा के साथ साथ हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था और अब तो मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ गई हूँ। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहाँ डीआईजी सर सभी से ये बड़ा खुलासा करते नजर आने वाले हैं कि सभी, तुमने अपने आई बाबा को नहीं खोया है, तुम्हारे आई बाबा आज भी जिंदा हैं, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ एक राज है जो आज तक मैंने किसी के भी सामने नहीं आने दिया। सई विराट की मौत की खबर फैलानी जरूरी थी क्योंकि उनकी जान के दुश्मन कई सारे लोग थे, हमने जानबूझ के ये बात डिस्क्लोज की थी, लेकिन उस हादसे के बाद मैं तुम्हारे घर चवान निवास गया था जहां मुझे कोई भी नहीं मिला और मुझे लगा कि शायद प्लेन क्रैश में विराट का पूरा परिवार खत्म हो गया है। तो वहीं दोस्तों, डीआईजी सर मिलवाने वाले हैं सभी को अपने आई बाबा से, जो कि सालों से कोमा में ही पड़े हैं और जिसके बाद कहानी में आएगा दिलचस्प मोड़। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।